तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पावर बीआई की डैक्स फंक्शन कैलकुलेशंस पे। हमने लास्ट क्लास पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाया था कि हाउ कैन कैलकुलेट द मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे लॉजिकल के बारे में कि इसमें लॉजिक्स कैसे लगाया जाए, ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन और इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज कौन से लगाया जाएगा, ये हम बातचीत करेंगे आपको इस क्लास में। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और जाहिर सी बात है हमें एक डेटा चाहिए तो गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट, एक एक्सेल फाइल लेता हूँ मैं। डेटा कहाँ गया? तो सेल्स डेटा है, इसी को ले लेता हूँ। तो डेटा है, इसको सिलेक्ट किया और इसको हम इंपोर्ट करते हैं। ओके तो ये हमारे पास डेटा का फील्ड है। हम डेटा बार में जाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा क्वांटिटी एमआरपी और अमाउंट का डेटा पर है, तो डेटा अपीयर हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ, अब इसमें जस्ट मुझे एक काम मन करना है, मतलब कि मुझे एक काउंट लगानी थी कि कितने ग्रेटर देन 50, मेरा जो क्वांटिटी है वो 50 से ऊपर वाले को मतलब कि अच्छा माना जाता है। मोस्टली हम कस्टमर सलाह देते हैं अपने सेल्स ऑफिसर की कि वो 50 से ऊपर की क्वांटिटी को ले, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि 50 से नीचे भी ले लिया जाता है। जस्ट मैं चाहता हूँ कि 50 से ऊपर वाले कौन है, 50 से नीचे वाले कौन है। तो यहाँ न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा और कॉलम का हेडिंग देता हूं ग्रेटर देन 50 और यहां हम क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंटर प्रेस किया। तो यहां पे रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स है, जैसे एक्सेल में हमने बताया था आपको कि ट्रू एंड फॉल्स आता है। तो इसकी डैशबोर्ड पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो डैशबोर्ड्स में मुझे टेबल के फॉर्मेट में चाहिए तो मैं यहां से टेबल को लूंगा और यहां से टाइप को सेलेक्ट टाइप नहीं यहां पे। ट्रू एंड फॉल्स और यहां पे हम इसकी डॉट समराइज में यहां पे हम काउंट ले लेते हैं। ठीक है, जी तो रिकॉर्ड निकल गए। ठीक है सर, इसलिए और भी चीजें की जा सकती है बट जनरली मैंने ये बताने के पीछे रीजन ये है कि अब यहां पे बहुत सारे लोग इफ कंडीशंस लगाते हैं। जी कंडीशन तब लगाते हैं जब मुझे ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे कोई और रिजल्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको जब चेकआउट करना है कि भाई है या नहीं है, तो उसके लिए आपको
इफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें कौन कौन लगा सकते हैं, इक्वल लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लगा सकते हैं, लेस देन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू लगा सकते हैं एंड नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं, राइट जी 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 सर। और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो उसके अलावा आप यहां पे जैसे मान लीजिए मुझे यहां पे दो कंडीशंस दे रहे हैं, मतलब कि बिटवीन चाहिए मुझे, यहां पे देखना है कि 50 और 60 के बीच में कितने हैं या 50 और 80 के बीच में कितने हैं, रेंज जी सर, यहां पे एंड लगा सकते हैं। ओके तो ये मैं इसी को कर देता हूं यहां पे 50 to 80 और यहां पे हमें देना पड़ेगा एंड एंड। यहां ध्यान रखिएगा एक्सेल एंड में और इसके एंड में फर्क है, इसलिए मैंने ये बता रहा हूं आपको मैं। क्वांटिटी इक्वल टू 80 और क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, रिजल्ट इसका ट्रू फॉल्स में आएगा, लेकिन इस एंड के अंदर में आप मोर देन वन रिकॉर्ड नहीं, मोर देन टू रिजल्ट, टू से ज्यादा नहीं डाल सकते, इसमें दो रिकॉर्ड ही डालने होते, दो से ज्यादा नहीं, समझे, दो रिकॉर्ड्स आपसे ज्यादा नहीं डाल सकते। लेकिन ट्रू फॉल्स को अगर मुझे किसी और में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए इफ का यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और नया कॉलम ऐड करता हूं और यहां पे मैं देता हूं इन हाउस, अब यहां पे मुझे देना है कि यहां पे कि मोहन, रवि और विकास, नाम है रोहन, रवि और विकास जो है वो इनवाइस के है और बाकी जो है वो वेंडर है। यहां पे तो अगर मैं यहां पे और लगाऊंगा और के अंदर में मैं करता हूं नेम, कि नेम इक्वल टू मोहन कॉमा नेम, नेम इक्वल टू रवि, अब यहां पे कॉमा नहीं दे सकते क्योंकि एक और में या एंड में हम दो रिकॉर्ड से ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है, कैसे करें, तो उसके लिए यहां पे हम दो और लगाएंगे, एक और यहां पे और लगाते हैं और इसमें हम देते हैं लास्ट में कि नेम इज इक्वल टू विकास, समझे सर जी। और यहां पे एंड हम प्रेस जी सर, समझ गए, तो एंड में भी आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, दूसरा है तो एक और लग जाएगा, चौथा है तो एक और लग जाएगा, इसको इफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग करना है तो कैसे करेंगे, दो से ज्यादा करने पर और बढ़ाना पड़ेगा ना, जी हाँ सही सही आपने पकड़ा। अब यहां पे इसको हम डाल देते हैं इफ फॉर्म लेकर, यहां पे हम दे देते हैं, ठीक है जी, आ गया सर जी। और इसमें भी आप इफ लगा सकते हैं, इसमें भी आप इफ लगा सकते हैं,
तो इफ का यूज, अब एक बार इफ का यूज, क्योंकि आप लोग एक्सेल में पढ़ रखे हैं तो एक्सेल की जैसा ही है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका जो जैसे मैं आईएनसी करता हूं, हाँ, इफ का यूज होता है कि किसी भी कंडीशंस को मैच करता है। तो इसके अंदर में देना आता लॉजिकल, जैसे कि मैंने यहां पे दे दिया क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 80 तो 500, अदरवाइज 6 या फिर 60 या 6 जो भी हो आप कर सकते। तो इफ का यूज इसी तरह जैसे एक्सेल में होता था उसी तरह से यहां भी होता है। ठीक है सर, जी डाउट इसमें? नो और एंड और के अंदर में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। चेंजिंग क्या हुई है? कि दो से ज्यादा हम इसमें यूज नहीं कर कंडीशंस ही ले सकते। सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। अगर दो से ज्यादा अगर आप डालते हैं तो आपको हर बार और या जी एंड हाँ, लगाना पड़ेगा। उसी तरह आपको अगर चार, देखिए क्या होगा बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए ना इसको हम सर्किट की तरह पढ़ते हैं। एक सर्किट है और इसके दो इनपुट है, राइट। अब यहाँ पे दो दे सकते हैं, लेकिन मुझे क्या है कि दो यहाँ पे दो डिवाइस लगा सकते हैं, दो मोबाइल चार्जर चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तीन चार्जर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक और सर्किट यहां पे लगा दूंगा, दो वाला, दो दो का जी पास है, तो एक मोबाइल यहां लग जाएगा, एक मोबाइल यहां लग जाएगा, एक मोबाइल यहां लग जाएगा। अगर मुझे चार चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे एक और डाल दूंगा, हो जाएगा सर। दो, एक दो यहां लगा, फिर एक यहां लगा, फिर एक यहां लगा। मुझे छह चाहिए तो मैं यहां पे एक और लगा दूंगा, छह हो गया सर। जी इसी तरह से, इसी तरह से 5 हुआ सर, 1 2 3 4 5, 6 के लिए फिर वापस ये करना पड़ेगा, ये रहा 6। ठीक है, तो इस तरह से इसको बढ़ा दिया जाएगा। समझ में आ गई? कोई डाउट आप लोगों को सर? नहीं सर। और का भी सेम सिचुएशन होगा, ठीक है। अब बात आती है नेस्टेड इफ की, कि क्या इसमें हम एंड और समझ में आ गई आप लोगों को? एंड और को इफ में कैसे डालेंगे ये भी समझ में आ गई। सर अब नेस्टेड इफ की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहां पे इंसेंटिव दिया, तो जैसे चेक किया, अब मुझे स्लैब है हमारे पास, स्लैब है कि जैसे कि 0 to 10 40 हुआ तो यहां पे हमें 500 देना है, ठीक है। अगर 41 to 80 होगा तो देना है 1000। 81 to 100 हुआ तो देना है 2000। इतना सा रैंक वाला सिस्टम। हाँ, और ग्रेटर देन 100 होगा तो उसको देना है 5000। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए इसी को एडिट करते हैं। यहां देते हैं यहां पे INC। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां देते हैं क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 40 तो 500 आए। अगेन इफ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80 तो यहां भी 1000 आए। जी अगेन इफ क्वांटिटी हमने लेस देन इक्वल टू, जी 100 तो यहां पे 2000 आए। अदरवाइज पे हम इफ दे देते, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100। जी
इसके ब्रैकेट्स है, अब बोलेंगे सर जितने इफ उतने ब्रैकेट क्लोज करना है, उतने क्लोज करने की आपकी जरूरत नहीं है, जस्ट एंटर प्रेस मारिए वो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ओके समझ गया जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, बहुत आसानी से निकाल दिया। जी हाँ, अब इसमें एक यहाँ पे हम आते हैं, अमाउंट हो गया एआर टू फॉल्स। एक नॉट का फॉर्मूला, ठीक है, नॉट का फॉर्मूला क्या करता है, यहां देखिए, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, समझे? नहीं समझे? हाँ मैं समझ गया, जो उल्टा कर देता है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपने, जैसे ये देखिए, ये चेक है, अब यहाँ पे हमने लगाया हुआ इक्वल टू रवि इक्वल टू जो भी है, तो बॉस बोलाया कि नहीं 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 नहीं, ये मोहन रवि और विकास के अलावा जितने भी बाकी है वो सब की सब जो है इनहाउस में है, ये वेंडर है जी, ये चारों वेंडर है, तो फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, लगाना पड़ेगा या फिर नॉट इक्वल टू करना पड़ेगा। तो ये जो और हमने लगाया है, इस और को आप किस में डाल दीजिए, नॉट के अंदर में, समझे? बस नॉट डालिए, अपने आप ये सारा ले लेगा जी। हो गया सर? जी जी जी। तो नॉट का यूज करता है, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत बड़े बड़े जगहों पे ये काम आता है सर जी, बहुत बड़े जगहों पे काम आता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया नॉट इक्वल टू, तो हम यहां चेक ये करते हैं कि क्या एक्शन में जो नॉट इक्वल टू है वो यहां भी वर्क करता है। जैसे हमने यहां पर दिया क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 50, यहां भी वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में नॉट इक्वल टू इस तरह से लिखा जाता है, समझे? ये आई लगा दिया हमने इसमें, आई नहीं सर, वो एक्सप्रेशन मार्क है, तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमने दिया नॉट इक्वल टू, ये बेसिक नॉट इक्वल टू नहीं रहा, ये हम दो, जैसे यहाँ पे दो साइन को मर्ज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू दो साइन मर्ज कर सकते हैं यहाँ पे हम, हमने दो साइन दिया भाई, लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50, समझे? तो जब लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50 होगा तो नॉट इक्वल टू 50 तो होगा ही होगा जी सर। फॉर्मूले को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप यहाँ कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे आप इस फॉर्मूले को अपने सिस्टम पे लगाएं और मुझे 20-25 एग्जांपल बना के दें सर, क्योंकि आगे की क्लासेस में इफ का बहुत यूज है। एक और क्लास में लॉजिकल दूंगा थोड़ा सा और एडवांस में जाके, लेकिन पहले आप इफ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, देन हम आगे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ठीक है सर, क्योंकि ये एक्सेल से रिलेटेड है, जैसा ही है, तो दिक्कत नहीं होगा। खासकर एंड और यूज कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।